गुड मॉर्निंग. आज है 5 सितंबर टीचर्स डे और हैप्पी टीचर्स डे सभी टीचर्स को, पेरेंट्स को, जिनसे भी हमने कुछ सीखा है उन सभी को. अभी मैं गणेश चतुर्थी को जो ब्लॉग शूट किया था आज एडिट कर रही हूँ. बहुत टाइम हो गया, सोचा तो था पहला ब्लॉग है, सेम डे एडिट करूँगी एंड अपलोड करूँगी, बट नहीं पॉसिबल हो पाया. सो डूइंग इट राइट नाउ और एडिट करने के बाद आपसे मिलते हैं. अभी सुबह के बाद काफ़ी लेट हो गया आपसे जब बात हुई थी. अभी फ़िलहाल मैं लंच कर रही हूँ, मेरी बेटी सो गई है. चीकू शी स्लीपिंग नाउ, उसने लंच कर लिया है. बहुत लेट हो गया, लंच कर लेती हूँ और फिर आप लोग से बात करते हैं. हाय फ्रेंड्स, आज कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ज़्यादा काम में बहुत बिजी थी और चीकू ने भी काफ़ी इन्वॉल्व कर रखा था. अभी डिनर करने जा रहे हैं हम लोग, रेडी हो गया है और मैं कल ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ. सो फ्रेंड्स, वी आर ऑल सेट फॉर गणपति दर्शन. मेरी बेटी जैसा कि आप देख रहे हैं सो रही है और बारिश हो रही है बाहर, लेकिन फिर भी हम दर्शन करने जाते हैं. ये बहुत जगह पे बहुत सुंदर सुंदर गणपति विराजमान है तो उनके दर्शन करेंगे. सो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं गणपति बापा के दर्शन के लिए. गणपति बापा मोरया. फ्रेंड्स, अब हम आनंद पार्क के गणपति दर्शन करने पहुंचने वाले हैं. ये देखिए, आप भी दर्शन करिए. जय हो गणपति बापा, जय हो आशीर्वाद. फ्रेंड्स, आप भी दर्शन करिए. जय हो. ट्रैफिक बहुत है, हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते. अब मिलते हैं आपसे अगले स्पॉट पे. बहुत बहुत ट्रैफिक है. कितना सुंदर लग रहा है. गणपति पे एकदम दिवाली की तरह सजावट हुई है. ये देखिए फ्रेंड्स, ये जंगी महाराज रोड पुणे पे है. ये देखिए गणपति कॉर्ड हो रहा है. ये मेरी खिंचाई चल रही है दोस्तों, जब तक ऐसा ना ये करें इनको चैन नहीं. आई नो, बहुत ही सुंदर पंडाल है. देखिए चीकू, तुम भी देखो बेटा. ये देखिए गणपति. आई होप आपको दिख गए होंगे, बहुत लाइट है, बहुत सुंदर गणपति. उफ वाओ, ये देखिए. जय हो गणपति बाप्पा. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. ये नाटक हो रहा है ना सत्यम, अभी आगे आपको दिखाएंगे. बहुत बच्चे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. आई थिंक ये कोई क्लब वाले बच्चे होंगे, एक्टिंग क्लब के, है ना. शिवाजी नगर सार्वजनिक गणोत्सव. ओके, देखिए कितनी भीड़ लगी, देखने के लिए इतना ट्रैफिक है, हम लोग उतर नहीं सकते. आइटम का नाम इतना लिखा होता ना. देखिए फ्रेंड्स, बप्पा भगवान, बहुत भीड़ है. नव चैतन्य मंडल, ये पंडाल है पूरा. कितना सुंदर है. अंदर गणपति है पर बहुत ट्रैफिक है, बारिश है, हम लोग उतर तो नहीं सकते. आपको सुनाई दे रहा हूँ. ये जो पंडाल है, ये बद्रीनाथ धाम का रेप्लिका बनाया गया था. इट वाज ब्यूटीफुल. फ्रेंड्स, हम एफसी रोड पे आ गए हैं. ट्रैफिक देखिए कितना ज्यादा है, रात के 9:15 बज रहे हैं. ये गाड़ी देखिए, गणपति जी विसर्जन के लिए जा रहे हैं. कितनी सुंदर गाड़ी. ओ हो, ये देखिए साइड से दिख रहा है. जय हो. कितना डांस कर रहे हैं.
शिव को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। बहुत अच्छा नजारा था, लोग खूब डांस कर रहे थे। मूविंग गाड़ी से कैप्चर करना इतना इजी नहीं हो रहा था। गणेश जी ने कहा उतर के आइए। हाँ, हर जगह गाड़ी से नहीं चलेगा, देख रहे हो ना, गाड़ी लगाने का कुछ बनता है सत्यम, है ना। और इतना मौसम ऐसा ठंडा, बारिश की चीकू को लेके हर जगह उतरना भी वो नहीं है, भीड़ बहुत है ना। तो मत देखो उधर, हम वाह जय हो प्रभु, बहुत ही सुंदर ये देखिए, फिर हर जगह इतनी चमक रही है मूर्ति की, ये देखिए वाह बहुत, ये देखिए नवनाथ मित्र मंडल जय हो। दोस्तों इतने पंडाल हैं, इतना अच्छा लग रहा है, मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने रिकॉर्ड किए होंगे, कितने दर्शन किए हैं अभी, कितने खूबसूरत पंडाल बनाए गए हैं और मूर्तियां कितनी कितनी भव्य हैं। गणपति जी वाह भाई वाह, तुम कई जगह आपको ठीक से दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि एक तो मूविंग कार थी, दूसरा गणेश जी की आरती हो रही थी, प्रसाद बट रहा था, पूजा वगैरह की वजह से काफी भीड़ थी उनके आसपास। तो दूर से ही हमने भी दर्शन किए हैं, वैसे ही आपको कराए हैं तो उसके लिए सॉरी। ये देखिए दोस्तों हर जगह कोई ना कोई थीम है, साइड से इस पूरी सड़क पे ही हमें कितने सारे गणपति के दर्शन हुए हैं। आगे से निकल जाएगी गाड़ी, फ्रेंड्स हम लोग की गाड़ी जगह स्टक, तो हमारी गाड़ी यहाँ स्टक कर गई थी, लेकिन यहाँ पे तीन चार भैया लोग थे, उन्होंने हेल्प करी, हमारी गाड़ी निकलवाई, हमें बहुत हेल्प, स्पेशली ये वाले भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया, लोगों ने बहुत हेल्प करी, थैंक यू सो मच। हम लोग की गाड़ी अटक गई थी फ्रेंड्स, भैया ने बहुत, इतने सारे भैया लोग थे, इन सब लोगों ने गाड़ी निकलवा दी, आगे तक रास्ता बता दिया, मानना पड़ेगा। आगे जाके फिर से बहुत ज्यादा ट्रैफिक था क्योंकि पंडाल था, गाड़ी के जाने का कोई स्कोप नहीं था, हमें 10 मिनट रुकने को कहा था, लेकिन ये वॉलेंटियर्स आ गया है, इन्होंने सबको हटाया साइड कर करके, धीरे धीरे हमारी गाड़ी निकलवाई, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। एकदम दिल खुश हो गया, वाह वाह वाह, इतने हेल्पिंग, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इतने स्मूथली हम लोग की गाड़ी निकलवाएगा, मजा आ गया। जय हो गणपति बप्पा, तो बिल्कुल महल जैसा किला क्या बना है। फ्रेंड्स अब हम लोग घर वापसी की ओर है, 10 बजने वाला है, घर जाना है, डिनर खाना है, फिर सोना भी है अगर चीकू अलाउ करती है तो। ये अंदर गणपति, अरे वाह लाइटनिंग कितनी प्यारी है, जय हो पप्पा। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आज है 7 सितंबर, कल हम लोग गणपति दर्शन के लिए गए थे, बहुत सारे पंडाल गए थे, हालांकि हम कहीं उतर नहीं पाए थे क्योंकि एक तो बहुत बारिश हो रही थी और दूसरा चीकू बहुत छोटी है, तो हर जगह इतनी भीड़ इतना रश है, और अभी अभी उसको कुछ दिन पहले ही फीवर से उठी है, हम लोग को भी कोविड हो गया था, तो उसको इतने रिस्क नहीं ले सकते उसको हर जगह ले जाने का, डॉक्टर ने भी उसे बहुत भीड़ में ले जाने से मना किया है, तो बट हमने कोशिश की कि आपको और खुद भी अच्छे से दर्शन कर सकें।
बहुत ही सुंदर था, पूरा शहर इतना सजा हुआ है जैसे कोई जैसे दीपावली में हम लोग समझते हैं वैसा, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज फिर हम जाने वाले हैं और मैं ये सारे ही बप्पा के दर्शन एक वीडियो में ही अपलोड करूँगी, आप देखोगे, आप तब तक देख ही लोगे। और चलिए आज अभी तो सुबह ये एक्चुअली 10 बज गए, मुझे लेट हो गया है, मैं उठ गई थी बट ये कि रात को कुछ फिक्स नहीं रहता सोने का तो देर हो जाती है काफ़ी, तो बस ब्रेकफास्ट करते हैं, कपड़े धुल रहे हैं, दिन भर का काम स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी आज क्या क्या है बॉक्स में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पोहा बन रहा, जल्दी से ही हम लोग के पेट में जाने वाला है। It's raining, Chiku. It's raining today. फ्रेंड्स आज की बहुत बारिश हो रही है तो हम आज फिर निकल पड़े हैं गणपति दर्शन के लिए। जो पंडाल कल रह गए थे हम नहीं देख पाए थे, आज हम वहां जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। दोस्तों ये हमारे घर के सबसे नजदीक जो गणपति जी का पंडाल लगा है, हम आपको अभी उसका दर्शन कराएंगे। वो भी बहुत खूबसूरत लगा है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए, जय हो, आप भी अच्छे से दर्शन करिए। जय हो, चीकू जय करो, जय। दोस्तों ही कोकने चौक पे बहुत सही बारिश हुई है, बहुत ही सुंदर बारिश तो बहुत हुई है। ये देखिए नीचे विंडो पे, नीचे पे ये देखिए, जय हो पप्पा, कितने सुंदर है, कितना अच्छा सा है और सजावट कितनी अच्छी है ना सच में। रहाटी चौक, हाँ रहाटी चौक, ये देखिए ये रहाटनी चौक पे। अच्छा ये यहाँ पे कृष्ण जी की भी है, अरे वाह वाह, यहाँ तो दो दो झांकियां हैं। ये कालियावध का है, अच्छा अच्छा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों हम पिंपरी में हैं, ये देखिए एक ये गणपति, यहाँ आरती हो रही है, जय हो भगवान जी की। अब जो आ रहे हैं वहाँ तो बहुत ही मतलब जतन से वो लोग करते। दोस्तों ये पिंपरी का गणपति पंडाल है जहाँ पे एक शो होता है, कहानी नरेट करते हैं, एक कठपुतली के शो की तरह होता है बट उससे बहुत ही बेहतर होता है और बहुत मेहनत से ये लोग ये शो करते हैं। और इसको देखने के लिए आप देखिए अभी तो भीड़ कम हो गई है, लेट हो गया वरना यहाँ लोगों के लिए सीट लगी रहती है, काफ़ी भीड़ होती है। अरे वाह, अरे वाह, कितने शांत है, कितने सुंदर, वाह वाह भाई जय हो। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही, दोस्तों कैसा लग रहा है आपको बताइएगा, कितनी मेहनत करके स्टेज बना के भगवान और अंदर कितना अच्छा है। ये देखो कठपुतली शो हो रहा है पूरी तरह से किस चीज की लाइन है, दर्शन की होगी, ये तो कुछ भंडारा लगा हुआ, जय हो, वाह भाई वाह। देखो चीकू इधर देखो, जय हो, हाँ चीकू हाँ हाँ बेटा, हाँ ये देखो ये विसर्जन के लिए जा रहे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ विसर्जन के लिए जा रहे हैं। अरे वाह,
पीछे देखिए, मेरे हस्बैंड दोबारा घुमा के लाए क्योंकि ये हमें आप लोग को दिखाना ही दिखाना है। वाओ वाओ वाओ, आई लव दिस, मजा आ जाती है। देखिए देखो इधर भी, इधर भी। वो देखिए, ये देखिए और कि कितनी लड़कियां थी और कितना गजब का उतारी थी। फ्रेंड्स, हम एक जगह के दर्शन के लिए नहीं जा पाए, नगरू शेख मंदिर। वो बहुत ही भव्य आयोजन होता है वहाँ पे और बहुत ही माना हुआ मंदिर है, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं था जाना क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी तो खैर आप बोल ही जाइए, आपको पैदल ही जाना होता है अंदर, और हमारे लिए वो इस वक्त पॉसिबल नहीं था। तो कोई बात नहीं, अगली बार पापा बुलाएंगे तो हम दर्शन के लिए ज़रूर जाएंगे।